तीन दिन की अंतरिम जमानत दी गई। इससे पहले भी हमने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वो तस्वीर फ्लोट होते हुए देखी जिसमें उनकी बीमार पत्नी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला है, तीन दिन की अंतरिम जमानत दी गई है मनीष सिसोदिया को। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला है। शराब घोटाले मामले में लगातार पूछताछ हो रही थी मनीष सिसोदिया से और राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या आधार रखा गया है? देखिए, मनीष सिसोदिया ने अपनी भतीजी की शादी के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत जो है वो कोर्ट से मांगी थी। लखनऊ में मनीष सिसोदिया की भतीजी की शादी है, इसके लिए अंतरिम जमानत याचिका जो है वो मनीष सिसोदिया ने लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। यानी कि 13 फरवरी से 15 फरवरी तक लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में मनीष सिसोदिया जा सकेंगे। अंतरिम जमानत जो है वो तीन दिनों की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दे दी है। मनीष सिसोदिया की जो नियमित जमानत है उस पर अब 17 फरवरी को राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत का ईडी ने विरोध किया था। ईडी का कहना था कि मनीष सिसोदिया काफी प्रभावशाली नेता है, अगर वो जमानत पर जेल से बाहर आते हैं तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इस ईडी की दलील को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया को तीन दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। यानी कि कल वो लखनऊ के लिए जाएंगे और 15 तारीख तक जो है अपनी भतीजी की शादी अटेंड करेंगे। उसके बाद 16 तारीख को उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। सुमित, कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि चूंकि सबूत बहुत ज्यादा हाथ नहीं लग रहे अगर ईडी के, तो बहुत दिनों तक अंदर उन्हें रखा नहीं जा सकता है। क्या ऐसी भी कोई जुरह सामने आई ईडी की तरफ से, क्या कुछ और बातें कही गई हैं? देखिए, फिलहाल नियमित जमानत पर 17 फरवरी के लिए कोर्ट ने तारीख तय की है, क्योंकि आपको याद होगा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात जरूर कही थी कि अगर तीन महीने के अंदर ट्रायल अगर पूरे सुनवाई शुरू नहीं होती है ट्रायल को लेकर, तब मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों नियमित जमानत याचिका दोबारा राउस एवेन्यू कोर्ट में लगाई है। अब राउस एवेन्यू कोर्ट को देखना है कि ट्रायल की आखिरकार स्थिति क्या है, क्या ट्रायल जो है वो अगले 7 महीने में कंक्लूड हो सकता है या नहीं। अगर कोर्ट को लगेगा कि इस आधार पर अगर ट्रायल कंक्लूड होने में देरी है तो इस आधार पर जमानत जो है उन्हें मिल सकती है। तो ऐसे में फिलहाल नियमित जमानत पर 17 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत जो है मनीष सिसोदिया को मिल गई है, तो एक बड़ी राहत के तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए देखा जा रहा है। चलिए ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तो भतीजी की शादी के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को और अब अगली जो सुनवाई है वो 17 फरवरी को होनी है, यानी आगे जमानत को लेकर के जो सुनवाई है वो 17 फरवरी को होगी। मेरे सहयोगी सुमित की तरफ से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 13 से 15 तक अंतरिम जमानत पर रहने वाले हैं मनीष सिसोदिया।